अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आयशा इजाज। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी एंड स्पाइसी मूली वाले पराठे। हाँ जी, ये तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है और जाती जाती सर्दियों के मौसम में हमने ले ली हैं जी 1 किलो मूलियाँ, सफ़ेद मूलियाँ फ्रेश। इसको हमने अच्छी तरह से धो के और छील लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इनको छील लिया है और मूली के जो पत्ते हैं उनको हमने वेस्ट नहीं करना, उनको भी हम साथ में धो के इसमें बीच में शामिल करेंगे और मूली को अच्छी तरह से अब हम कद्दूकश करेंगे। ये लें जी, मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है और मूली के जो पत्ते थे उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जी तो नाज़रीन, इस स्टेज पे हमने इनको कद्दूकश कर लिया है, हरे पत्तों को काट लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 से 10 मिनट्स, ताकि मूली का जो अपना पानी है वो थोड़ा स्टीम आउट हो जाए, सूख जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी मूली। साथ ही हम इसमें इसके मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ सॉल्ट यानी नमक हसबे ज़ायका लिया है 1 टेबल स्पून, आप यूज़ कर सकते हैं 1 किलो मूली के हिसाब से। रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो 1/2 टेबल स्पून लिया है। सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा साबुत जो है उसको भून कर 1/2 टीस्पून दोनों डाले हैं, और इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किया है। इन सब चीज़ों के अलावा हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोटे छोटे 2 पेड़े लिए हैं और इसको हमने बेल कर इसके ऊपर जो मूली का ये बना है मसाला था तो इसको इसमें स्टफ़ करना है, और छोटा सा पेड़ा उसके ऊपर हमने बेल कर इस तरह से हमने अच्छी तरह से बाइंड कर देना चारों तरफ से कि मूली बाहर ना निकले। अब मैं इसको पकाने लगी हूँ आपके सामने। बड़ी एहतियात के साथ पकाना है। जो न्यू कमर्स हैं जिनको यानी अभी पकाना नहीं आता, उनको ज़रा थोड़ा सा शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये जब आप 1-2 दफ़ा पका लेते हैं तो ये बड़ा आसान सा काम है, कुकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से पका सकते हैं। जी हमारा मूली का पराठा बिल्कुल तैयार है, गोल्डन गोल्डन सा, मज़ेदार सा, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको मैं 4 टुकड़ों में काटूंगी और बड़े प्यारे से अंदाज से आपके सामने पेश करूंगी। आई होप आपको मेरी इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। जी तो क्रिस्पी एंड स्पाइसी मूली पराठा मीट रायते के साथ सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching.